वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित और एक और वायरल वीडियो की शुरुआत करेंगे आज हम। और सबसे पहले देखें, हमने एक नॉर्मल वाटर ले लिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक चम्मच हल्दी लूँगा, मिक्स करेंगे। हल्दी एक इंडिकेटर होता है जैसे आपको पता होगा। अब हम इसके अंदर एक चम्मच सरफ डालेंगे यानी डिटर्जेंट पाउडर, जो कि एक क्षार है। अब आप बताइए जल्दी से इसको मिलाने से कैसा कलर होने वाला है, देखते हैं कैसा कलर होगा। ये सारा ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी कलर क्या हो गया, रेड। अब आपको मुझे बताना है कमेंट में कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो हमारा हल्दी है ये कौन सा इंडिकेटर है, और हल्दी जब क्षार के संपर्क में आता है तो हम एक चीज़ पता लग गई यहाँ से कि उसे कैसा कर देता है, रेड कर देता है। अब देखना ये होगा कि अगर हम इसे दोबारा से येलो करना करेंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, हम इसमें डाल देंगे एसिड। एसिड में मैंने सिरका ले लिया है, ये देखिए इसका रंग पूरा येलो हो चुका है। और अब क्या हो कि अगर मैं इसके अंदर से पानी और येलो कलर दोनों अलग अलग कर दूं, तो इसके अंदर हम मिला देंगे ब्लीचिंग पाउडर। जैसे मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको, हल्दी के पार्टिकल्स नीचे बैठ गए हैं और हमारा ब्लीचिंग पाउडर ऊपर है, तो इसके बीच में एक स्पेस नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको और थोड़ी सी देर तक वेट करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। तो हमें बताइएगा कि केमिस्ट्री के किस फिनोमेना की वजह से ऐसा हो रहा है।